नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू के साथ मैं मौजूद हूं प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक रीवा के संजय गांधी अस्पताल में। मैं आपको दिखाऊं संजय गांधी अस्पताल का ये प्रवेश द्वार है। यहां पर कोविड के जो भी मरीज भर्ती होते हैं उनका यहां पर इलाज किया जाता है। इसकी चौथी मंजिल पर यहां जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज होते हैं उनको रखा जाता है। सरकार इस समय दवाई वैक्सीन पर बहुत ज़्यादा जोर डाल रही है। वैक्सीन हर हालत में लगवाना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, लेकिन पिछले दिनों एक परिवार के 3 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, एक की तत्काल मौत हो गई, एक की आज 4 दिन बाद अस्पताल में एक बार फिर से मौत हो गई है, एक सज्जन बचे। हमारे साथ उस परिवार के काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्या हुआ था ये बताइए कि कौन आपके परिवार के कौन थे? ये मेरे पापा थे। आपके पापा थे, कब इनको दवाई लगी, क्या लगी, पूरी बात बताइए। 27 तारीख को लगी सर, 27 तारीख को लगी है उनकी दवाई, ये कोविन वैक्सीन की दवाई। 27 तारीख को दवाई लगी, 27 तारीख को दवाई लगी है, उसके बाद इनकी हालत बिगड़ती चली गई है और आज उनकी डेथ हो गई है। अब आप क्या चाहते हैं? तो सर कम से कम उसमें हमारा कुछ मुआवजा मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि जो सरकार वैक्सीन लगवा रही है और वो वैक्सीन से नुकसान हो रहा है तो क्यों लगवा रही है, क्यों इसमें लोग परेशान हो रहे हैं? उनके परिवार में और कौन कौन है? कितने बच्चे, कितने भाई? तीन बच्चे हैं उनके और 7 भाई हैं। सबसे बड़े भाई वही थे। परिवार के मुखिया की मौत हुई है, कोरोना वायरस उनको बीमारी हुई, हालांकि उन्होंने दवाई लगवाई थी, दवाई लगाने के बाद उनकी मौत। यहां पर परिजन लगातार मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत कर रहा हूं। आप उनके भाई थे, अब बताइए अब आप लोग की क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं अब आप लोग? सरकार से सिर्फ मुआवजा चाहते हैं, क्योंकि टीका लगवाने के बाद ही ऐसा हुआ है। वो कभी बीमार नहीं होते थे, वो बहुत अच्छे थे, उनका हेल्थ बहुत अच्छा था और काफ़ी हष्ट पुष्ट थे, मजबूत थे, वो कभी बीमार नहीं होते थे। टीका लगवाने के बाद ही ऐसा हुआ। टीका लगाने के बाद वो बीमार हुए, इसके पहले हालांकि परिजनों का ये कहना है वो कभी बीमार नहीं हुए। सरकार की गाइडलाइन को हमने माना था और सर इंजेक्शन लगाने के बाद कोरोना वायरस उनको हुआ, उनकी मौत हुई। परिजनों का यह कहना है कि अब हमको कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए जिससे उनके बच्चों का परवरिश हो सके, पालन पोषण हो सके। आज सुबह कोविड से सूचना प्राप्त हुई है वार्ड से कि सुलेमान खान नाम के व्यक्ति जो सपना के रहने वाले थे, 6 तारीख को एडमिट कराए गए थे, उनकी मृत्यु इलाज के दौरान सुबह हुई है और वो कोविड पॉजिटिव थे और उनके फेफड़ों में बहुत सीवियर इन्फेक्शन था। ये सब खबरें प्राप्त हुई हैं और उनके शव को शासन के गाइडलाइन के अनुसार ही कफन दफन के लिए हम नगर निगम को देंगे। बाकी के 2 मरीज जो बता रहे हैं, रिलेटिव आप हैं उनके, वो उनमें से मंसूर खान और सुभान खान। तो मंसूर खान के सिचुएशन जो है वो अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, उसमें उनकी स्थिति ठीक नहीं है अभी। और सुभान खान की रिपोर्ट तो नेगेटिव प्राप्त हुई है और उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के लिए ऐसा बताया मेरी जानकारी में। और ये तीनों का वैक्सीनेशन जो है, आपने बताया, अभी आप ही ने बताया मुझे कि तीनों वैक्सीनेट हुए, तो उसके बाद से तबीयत, तो ये संयोग हो सकता है कि ये वैक्सीनेट हुए हों उसी समय जिस समय ये कहीं एक्सपोज हुए होंगे किसी पॉजिटिव पर्सन के साथ में, क्योंकि वैक्सीनेशन से अभी तक ऐसा कोई वो नहीं प्राप्त है, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि वैक्सीनेशन से किसी को कोविड हो जाए। पर सर एक साथ तीनों लोग एक ही परिवार में, जितने भी लोग होते हैं कई बार आजकल तो देखने ही आ रहा है कि एक जब पॉजिटिव आता है तो सारा परिवार उसके साथ पीछे पीछे पॉजिटिव आता है, तो ये कोई ऐसा संयोग नहीं है कि दुर्लभ संयोग है, ये बहुत कॉमन देखने मिल रहा है। इनका एक्सपोजर कहीं एक साथ एक जगह हुआ है और उसी समय इन्होंने वैक्सीनेशन भी करवाया है, ये संयोग हो सकता है। सर जिसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया उसकी स्थिति अब कैसी है? वो ठीक है, ठीक, वो ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।